प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 22 हम देख रहे थे। कौन सा आर्टिकल देख रहे थे? 22। लगभग 7 क्लॉज है इसमें, मतलब कितने पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है इसको? 7 पॉइंट। ठीक है, क्या है 22 का थीम अपना? हाँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, दो पॉइंट है, गिरफ्तारी ठीक है जिसको अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, और एक है डिटेंशन जिसको कैद, क्या बोलते हैं? गिरफ्तारी अलग है, कैद अलग है। ठीक है, गिरफ्तार में आपको अरेस्ट कर लिया, तो आर्टिकल 22 दोनों ही केसेस में आपको क्या प्रोवाइड करता है? संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार किया है तो आपको सबसे पहले तो कारण बताना पड़ेगा आपको, मतलब कौन, पुलिस जब अरेस्ट करने आएगी तो क्या करेगी कि किस कारण की वजह से आपको अरेस्ट किया, क्या बताना ज़रूरी है? कारण। ठीक है, लिखित में तो देंगे, बोल के भी बताएंगे कि इस वजह से क्यों ऐसा ज़रूरी है, कोई बताएगा क्यों ज़रूरी है पुलिस को ये बताना कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? कोई भी नहीं, पुलिस ही ले जाएगी। हाँ, इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आप उस हिसाब से अपने छुड़ाने का इंतज़ाम करो। आपके वकील को पता ही नहीं होगा कि आपको क्यों उठाया, तो आपको किस ग्राउंड पे छुड़ाने पहुँचेगा? कारण बता दिया कि यहाँ पे इस मर्डर में इतने बजे तुम सस्पेक्ट थे, या यहाँ पर जो भी दुर्घटना घटी, कार चोरी हुई, ठीक है, तो CCTV में उस कार के पास तुम घूमते हुए पाए गए। अब आपके वकील को पता है, तो अब आप उससे बताओगे कि आप, हाँ, तो दूध सब्जी लेने गए थे, आपको क्या पता है यहाँ कार चोरी का कारण हो रहा है? तो वो एक ग्राउंड तैयार करेगा कि मेरा क्लाइंट वहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे डेयरी की दुकान है, वो दूध लेने गया था और कार चोरी में इसका कोई भी हाथ नहीं। ठीक है, तो इसलिए जनरली आपको बताना ज़रूरी है कि आपको क्यों, और ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अगर कोई गिरफ्तारी हो रही है तो उससे पहले आपको कारण बताना पड़ेगा पुलिस के द्वारा। ये कौन सा आर्टिकल अश्योर करता है? आर्टिकल नंबर 22। अगर आपको कैद कर लिया है, डिटेंड कर दिया है, कैद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटेंशन हो गई। तो डिटेंशन जनरली दो तरह से हो सकती है अंडर दिस आर्टिकल। ठीक है, एक डिटेंशन होगी कि आप अपराधी घोषित हो गए, आपको सज़ा मिल गई है, कोर्ट ने आपको क्या कर दी है? सज़ा दे दी। क्या दे दी है? कोर्ट ने क्या कर दी है आपको? सज़ा दे दी। क्लियर है? आपने अपराध किया, आपका अपराध सिद्ध हो गया, आपको क्या मिल गई? सज़ा मिल गई। तो आप कहाँ जाओगे? जेल। जेल जाओगे ना, तो जेल के अंदर जितने दिन भी रहोगे उस ड्यूरिंग आपका क्या है, कुछ मौलिक अधिकार बनता है कि नहीं बनता? उस ड्यूरिंग आपको लॉयर करना, ठीक है, आपके लॉयर के द्वारा अलग अलग कोर्ट में अपील करना, ये सारी चीज़ें आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22 के अंदर। ठीक है, कारण बताना पड़ेगा। 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ये भी क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में आपका मौलिक अधिकार है। अगर आप क्या हो गए, अरेस्ट हो गए, तो विदाउट कारण नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है कि कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा? अगर बाय चांस 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जा पाई, तो क्या होगा? तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 24 आवर के अंदर वो इतने सबूत या इतने ग्राउंड नहीं जुटा पाई कि आपके खिलाफ एक मजबूत केस वो पेश कर सके मजिस्ट्रेट के सामने, बताना पड़ेगा ना क्यों आपने उसको अरेस्ट करा। ठीक है, तो पुलिस अगर नहीं बता पाई
और 24 घंटे भी गुजर गए तो क्या करना पड़ेगा उस बंदे को। लेकिन ये सिर्फ सिविल केसेस में होगा, क्रिमिनल केसेस में ऐसा दो तरह के केसेस होते हैं, बहुत बार पढ़ा होगा, एक दीवानी मामले एक फौजदारी मामले, अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, ठीक है। दीवानी मामले के अंदर जो बेसिक अपराध है वो आते हैं, कुछ मुद्दे, जमीन जायदाद से रिलेटेड मुद्दे, घर परिवार की लड़ाइयाँ, शादी तलाक, ठीक है, ये सब कौन से मामले हैं, ये दीवानी मामले जिनको सिविल मैटर्स बोलते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल मैटर्स जिनको हम बोलते हैं फौजदारी मामले, क्या बोलते हैं, इनमें खून खराबा, मार काट, मर्डर टू अटेम्प्ट, मर्डर और ये सारे थोड़े से बड़े लेवल के अपराध आते हैं। ये कौन से मामले होते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया दीवानी और फौजदारी, ठीक है। जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, पड़ोसी से लड़ाई हो गई है, गाड़ी को लेकर किसी से लड़ाई हो गई, मतलब जो सामान्य दर्जे का अपराध है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, माँ बाप बच्चों के बीच लड़ाई हो गई है, ज़मीन के बंटवारे को लेकर लड़ाई हो गई, घर बंटवारे को लेकर लड़ाई हो गई, कितनी तरह की, हज़ारों तरह की लड़ाइयाँ, थाने पहुँच जाते हैं लोग, चोरी का शक है इसने हमारे घर का, ये चुरा लिया, डाउट है हमें, सब कौन से सिविल मैटर्स। वहीं क्रिमिनल मैटर्स में किसी की जान ले लेके इंटेंशन से उस पर हमला करा या अटैक कर दिया जिसकी वजह से उसको चोट आ गई है, बुरी तरह से घायल है, मरने की कगार पे है, मर्डर कर दिया है, मर्डर की कोशिश करी है, देशद्रोह की कोई बात करी है, ये सारे के सारे कौन से मैटर्स हैं, ये सब क्रिमिनल हैं, आपराधिक मामले। क्लियर है, मतलब कैसे मैटर होंगे, फौजदारी या क्रिमिनल अफेयर्स। तो दो तरह से अपराध हो सकते हैं, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे गिरफ्तारी अगर होगी तो कारण बता के करनी पड़ेगी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, नहीं कर पा रहा है तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि वो आपको क्या करेगा, छोड़ेगा। इसलिए नहीं कर पा रहे मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्योंकि उनके पास वो ग्राउंड नहीं है या वो मुद्दे नहीं है जिसके दम पे वो आपको गुनहगार साबित कर सके। उनको लगेगा कि हमने किसी गलत व्यक्ति को उठा लिया या सही हमारे पास सबूत अभी अरेंज नहीं है 24 घंटे के अंदर उसे। इसलिए पुलिस क्या करती है, सबसे पहले आपने देखा होगा FIR लिखती है और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तब तक नहीं करती है जब तक कि FIR के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करती है। ऐसा नहीं FIR लिख के तुरंत गिरफ्तार कर लिया, FIR किसी के खिलाफ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो किसी को भी क्या किया जा सकता है, पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, रिपोर्ट, उसके बाद क्या होगी, जांच, और उसके बाद क्या होगी, डिटेंशन। क्लियर है। और ये इसलिए है क्यों, क्योंकि ये वाला क्लॉज कहाँ पे लिखा है, एज अ फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 22 में लिखा है। कौन सा आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर। क्लियर है। चलिए अब ये तो चीज़ हो गई, अब किसी को अगर डिटेन कर लिया, कैद कर लिया, कैद कब कर पाएंगे, जब ये सारी प्रोसेस, अरेस्ट भी कर ली, कारण भी बता दिया, मजिस्ट्रेट के सामने भी ले गए, मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि इसको दबोच के रखो, यही अपराधी हो सकता है, ठीक है, ये सजा भी सुना दी, ठीक है, तो तभी तो किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, ठीक है। अब ये जो कैद है ये दो तरह से हो सकती है इंडिया के अंदर, ठीक है। जनरली दुनिया के हर देश में किसी व्यक्ति को कैद तभी होती है जब वो अपराधी डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन हमारे देश में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। कौन सा इम्पोर्टेंट डिटेंशन है, आशंका के आधार पे भी किसी को गिरफ्तार, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। दुनिया के जितने भी लोकतंत्र हैं उसमें भारत एकमात्र देश है जहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन है। क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या होती है कि अगर किसी पे डाउट है तो उस डाउट के आधार पर उसको क्या कर दिया जाना, गिरफ्तार करके कैद कर दिया जाना। उस कंडीशन में ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। क्या लागू नहीं होती, कारण बताना, बताइए, बता सकते हैं अगर लगता है पुलिस को कि कारण बताने से सोशल इंटरेस्ट पर नुकसान होगा तो वो कारण नहीं भी बता सकते। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया है, 3 महीने तक उसे पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के क्या कर सकती है, अपने कस्टडी में रख सकती है।
कितने महीने तक? 3 महीने तक, क्लियर है। लेकिन उसकी कंडीशन अलग है, वो भी हम समझेंगे। पहले हमें क्या समझना है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या डिक्लेयर कर दिया है, अपराधी, अपराधी है वो, उसको कोर्ट ने क्या कर दी, सजा सुना दी। तो सजा जो सुनाई तो उसका कैद में भी उसके मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार है कैद में रहते हुए, कि उसको अपनी बात रखने के लिए अपना लॉयर करने का मौलिक अधिकार। अगर वो किसी कारण से कैपेबल नहीं है लॉयर करने के लिए, फाइनेंशियली तौर पे नहीं है, या कोई वकील उसका केस नहीं लड़ रहा, कई लोग होते ना दूर से डर जाते कि ये तो इसको क्या बचाएं, ये तो पूरी तरह से फंसा हुआ, सारे सबूत इसके खिलाफ है। कई ऐसे केस होते हैं, बड़े बड़े लॉयर उसका केस नहीं लड़ते, ऐसी सिचुएशन में उसको कानूनी सहायता कौन देगी, सरकार अपनी तरफ से, सरकारी वकील मुफ्त में उसका केस क्या करेगा, लड़ेगा। हार जाए तो हार जाए, जीत जाए तो जीत जाए, इसका बात लगे, लेकिन उसे कानूनी सहायता मुफ्त मिलेगी। ये हमने आर्टिकल नंबर 21 में भी पढ़ा था कि व्यक्ति को कानूनी सहायता का क्या है, ये उसका मौलिक अधिकार है, क्योंकि प्राण और देह स्वतंत्रता की बात है। हो सकता है कि उसको उस पर्टिकुलर क्राइम में फांसी हो जाए, इससे पहले उसको ये अधिकार है ना कि वो अपने आप को बचाने के लिए सही तथ्य प्रस्तुत करे। ये किसको अधिकार है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, कौन कौन सा व्यक्ति जिसको क्या किया है। तो एक कैद कैसी होगी, एक डिटेंशन कैसा होगा, बिल्कुल सामान्य, आम नागरिक हैं, आपने अपराध कर दिया, अपराध आपने हो सकता है जानबूझ के भी किया हो सकता है अनजाने में, अपराध जानबूझ या अनजान ये नहीं माना जाता, अपराध किया है ये माना जाता कि आप क्या हो, अपराधी हो। सब कुछ प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट ने आपको सजा दे दी, आप कैद में। अब आपको लग रहा है हमारे यहाँ पे जुडिशरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से जुडिशरी वर्क करती है हमारी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से सजा हुई है तो आप यहाँ जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट लॉयर तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये अधिकार, कानूनी अधिकार हर किसी उस कैदी का है जो अब क्या हो गया है, जो ये सिद्ध हो गया कि वो अपराधी। हो सकता है अपर कोर्ट उसको इनोसेंट, नॉट गिल्टी प्रूफ करे, लेकिन अभी तक वो क्या है, अपराधी। बात समझ में आ गई है। चलिए, अगर जेल में अगर कोई व्यक्ति है बीमार पड़ जाता है तो उसको इलाज का भी क्या है, ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। खाना वगैरह उसको मिलता रहे, ये भी उसका, क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरी कंडीशन ये है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। कौन सा डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें किसी ने अपराध नहीं किया, कोई अपराधी नहीं है, किसी कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है, बस क्या है, डाउट है। क्या है, किसी इंडिविजुअल पे पुलिस को ये डाउट है, और ऐसा किसी आम सिविलियन पे डाउट नहीं करते, वो तो वो एरिया जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत लंबे समय से एक्टिव हैं, वहाँ पे अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो ऐसा थ्रेट है, कोई ब्लास्ट कर सकता है या कुछ ऐसा काम कर सकता है जो आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाए, तो आशंका के आधार पे या डाउट के आधार पर अगर किसी को गिरफ्तार करा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है किसी का, क्या किया है किसी का, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है, किस आधार पे, अपराध नहीं करा है उसने, या करा भी होगा तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, उसके खिलाफ किसी ने FIR नहीं लिखवाई, उसको 24 घंटे के अंदर पेश करने की ज़रूरत भी, आशंका के आधार पर किसी को अगर अरेस्ट करा है, किसी को क्या किया है, गिरफ्तार किया, तो इस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, मान लीजिए ये व्यक्ति है जिसको डाउट है कि ये क्या हो सकता है, ये भारतीय सुरक्षा के लिए डेंजर का काम कर रहा है ना, या कुछ भी, इसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और अरेस्ट करके इसको वो सीधे क्या कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, कितने मंथ तक, 3 मंथ तक, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं किसी को भी कर लेंगे, इसके लिए एक बोर्ड होता है, क्या होता है, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, और वो डिसाइड करते हैं कि ये जो 3 महीने तो मैक्सिमम लिमिट है, ये 24 घंटे मैक्सिमम लिमिट है, आप आपने अरेस्ट करा और 2 मिनट बाद ही आप ले जाके कोर्ट में पेश कर दो,
कोई रोकेगा क्या आपको? लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर कितना है? 3 महीने। ठीक है, उस 3 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी बेल के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसका भी ये मौलिक अधिकार है कि इसको भी एटलीस्ट ये बताया जाए कि इसको क्यों पकड़ा है। लेकिन अगर पुलिस को ये लगता है कि इस व्यक्ति को अगर बता दिया कि इसको क्यों पकड़ा है, तो ये खतरनाक हो सकता है। क्या हो सकता है? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने इसको बता दिया कि हमें ये शंका है कि तुमने 50 जगह इस शहर में बम प्लान किए, ये हमें आशंका है और इसलिए हम तुम्हें क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कर रहे हैं। मीडिया में बात पहुंच गई, लोगों तक पहुंच गई कि हमारे शहरों में 50 बम लगे, लोगों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बम तो छोड़ दो, भीड़ सड़कों पर आ जाएगी और भीड़ धक्कम धुक्की में लोग क्या हो जाएंगे? आधे ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको वो न्यूज़ देना ज़रूरी है क्या? ना तो इसको बताना ज़रूरी है, जब इसको नहीं बताएंगे तो बाकी लोगों को पता चलेगा क्या? ठीक है, सिर्फ मीडिया में यही दिखाएगा कि इसको अरेस्ट कर लिया है, क्यों करा है इस बात का भी कोई वो पता नहीं चला, तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए इसको क्यों अरेस्ट करा है ये बता दिया, इसके समर्थक आ गए, जिसमें एक टाडा है, कौन सा एक्ट है? टाडा। तो उसके अंतर्गत अरेस्ट, जैसे संजय दत्त को अरेस्ट किया था किसके अंतर्गत? टाडा के अंतर्गत किया था ना अरेस्ट। ठीक है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई होगी वो किसके अंतर्गत होगी? उस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत होगी। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा और समझ लेंगे आगे, एक सेकेंड रुक जाओ। रोशनी आवाज़ बंद हो गई थी क्या? हाँ। ठीक है, अब क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का थोड़ा सा आइडिया लगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है आपने कुछ अपराध किया या नहीं किया ये नहीं पता, डाउट है कि आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसलिए आपको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। अब अगर आपको डाउट में अरेस्ट किया है तो जो नॉर्मल अपराधी के साथ बर्ताव होता है वैसा बर्ताव आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसे फिजूल में अरेस्ट नहीं करेंगे, किसी बड़े संगीन जुर्म के आशंका के अंतर्गत आपको गिरफ्तार करेंगे। उदाहरण के तौर पे आप क्या हो सकते हैं? टेररिस्ट हो सकते हैं, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेडेशन या देशद्रोह करने की आशंका हो सकती है इन सारी चीज़ों के लिए, या आप बहुत ही डेंजरस हथियार बना रहे होते हैं, या आप उस तरह की कोई फैक्ट्री चला रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सारे डाउट में आपको क्या किया जाता है? अरेस्ट। ठीक है, और उसकी फिर एक लंबी पूछताछ होती है, अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट कब किया है, किस डेट को किया, कहाँ से किया है, इसकी पूरी इंक्वायरी ये बोर्ड करता है। मैक्सिमम 3 महीने तक पुलिस उसको अपनी हिरासत में रह सकती है। इसके अंदर उसे क्या करना पड़ता है? उसको नियर मजिस्ट्रेट या जो भी रिलेटेड कोर्ट है वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर कोर्ट बताता है कि क्या करना है, क्या उसको सही ग्राउंड पे अरेस्ट करा है, नहीं करा है, छोड़ना है, रखना है, क्या करना है, ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट। ठीक है, लेकिन इस डाउट के बेसिस पर अरेस्ट
कि जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी काम होगा, वो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत होगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल है, टाडा अब तो नहीं है, चेंज हो गया, ठीक है, या NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अभी कोविड में कई सारे लोगों को NSA के अंतर्गत अरेस्ट किया, ठीक है, ये सब नॉन मेलेबल ऑफेंस है। अगर NSA में आपको धर लिया तो फिर सीधा ये सारी प्रोसेस होंगी आपके साथ। 3 महीने तक तो देखने ही नहीं है, पड़े रहो एक कोने में, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं या कम रख सकते हैं, ये देखना पड़ेगा कि उस एक्ट में क्या लिखा है, उस एक्ट में क्या प्रोसीडिंग लिखी है, फिर किसको फॉलो करना पड़ता है। ये संविधान में बस इतनी बात लिखी है, इसके आगे क्या होगा, तो संसद किस काम की है, वो किस दिन काम आएगी, एक्ट किसने बनाया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जिस व्यक्ति को इस डाउट में अरेस्ट करा है उसको कितने दिन रख सकते हैं, कितने दिन उससे इंक्वायरी कर सकते हैं, कौन कौन से टॉर्चर अप्लाई कर सकते हैं, कितनी उसको मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, बेल के क्या प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा जिस एक्ट की आशंका के अंतर्गत उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उसका क्या हुआ है, डिटेंशन हुआ है, उसको कैद किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 आपके मौलिक अधिकारों की बात करता है, लेकिन कब, जब आप किसी अपराध में संलिप्त होते हैं, है ना। हम में से तो किसी को नहीं ले गए टाडा के अंतर्गत उठा के, कभी ले गए किसी को, नहीं ले गए ना, ठीक है, मतलब कि हर किसी को नहीं उठाते हैं, ये चीज़ तो फिक्स है। ऑफ कोर्स जिन जो इन्वॉल्वमेंट है ना, बहुत पुलिस बहुत ज़्यादा ट्रेसिंग करती है, लंबे समय तक नज़र रखती है उस पर्टिकुलर बंदे पर, और फिर उनको जब ये एश्योरिटी हो जाती है कि कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि यही वो व्यक्ति है, तब उसे क्या करती है, उठाती है, ऐसे ही नहीं करती किसी को भी, ठीक है। कोविड में तो नासा NSA के अंतर्गत इसलिए बंद करा क्योंकि लोग ह्यूमैनिटी भूल रहे थे, क्या भूल रहे थे, और उस समय डर, कानून का डर लोगों में बहुत ज़रूरी था कि अगर आप जो दवाइयाँ, प्राण, मतलब प्राण और देह स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राज्य तो उसका संरक्षण दे रही है लेकिन लोग वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं उनको आप उनकी क्या कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर दे रहे हैं, या उनमें पानी भर के शीशियाँ बेच रहे हैं रेमडेसिविर, या आप बहुत महंगे दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं, तो लोगों की लाइफ के साथ आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो इस तरह के एक्ट लगाना सही भी है, ताकि लोगों में क्या रहे, डर रहे। तो जब इस तरह का वातावरण बन जाता है तो सरकार बोल देती है कि हम इसके अंतर्गत आपको धर लेंगे, और इसके अंदर अगर आपको धरा तो आपके फंडामेंटल राइट क्या रहेंगे, लगभग लगभग सस्पेंडेड रहेंगे। एक नॉर्मल अपराधी के तौर पर आपको काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट मिलेंगे, लेकिन अगर आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है, क्या हुआ है, आशंका या शक के आधार पर आपकी अरेस्ट हुआ है, तो आपको ये सारे अधिकार मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, यही आर्टिकल 22 बोलता है। आर्टिकल 22 में कितनी बातें, 2 बातें, एक मौलिक अधिकार सामान्य कैदी के लिए, एक मौलिक अधिकार उस कैदी के लिए जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आशंका या संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है, या इसमें से कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनके अंतर्गत गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को क्या नहीं होगी, सामान्य कैदी की तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं होंगे, उसके कोई सामान्य फंडामेंटल अधिकार, ये आर्टिकल 22 बोलता है। और इस वजह से आर्टिकल 22 की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है कि एक तरफ तो लॉ ऑफ द लैंड है इंडिया, ठीक है, प्रोसीजरल इस्टेब्लिश बाय लॉ यहाँ पे चलती है, पहले लॉ बनाते हैं फिर काम होता है, इंसान को इतने सारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 21 है और सब कुछ है, वहीं एट द सेकेंड साइड आर्टिकल 22 में ऐसा क्या गजब का ढा दिया आपने कि आशंका के आधार पे आपने किसी को पकड़ा तो फिर उसका बहुत लंबा निकल दिया, ठीक है। तो दुनिया का एकमात्र लोकतंत्र भारत ही है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रियों में बहुत है कंट्रीज में, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया ही है जहाँ पे सामान्य दिनों में भी आर्टिकल 22 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, बट ओनली इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी और क्राइसिस।
जब वहाँ पे देश किसी क्राइसिस में होता है, किसी तकलीफ में होता है या इमरजेंसी में, आपातकाल में होता है, तब वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, मतलब शक के आधार पे लोगों को अरेस्ट करके इस तरह से जेल भेजा जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आज भी ये सारी चीज़ें कई लोगों पर डेली बेसिस पर लगती हैं। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के लोग जो स्टेट है वहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारी थ्रेट्स हैं, काफ़ी सारी चैलेंजेस हैं, किसको लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और इसलिए वहाँ पर ये एक्ट और ये आर्टिकल काफ़ी क्या हो जाता है, यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, तो इस ग्राउंड पर लेकर काफ़ी सारी क्या हुई है, आर्टिकल 22 का क्रिटिसिज्म भी हुआ है। एक साइड है कि कैदी के राइट्स, दूसरी साइड है कि कैदी अब बिना अपराध के भी कैदी को गिरफ्तार डाउट के बेस पर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अब कोई लंबे समय से उसका फ्रेंड है ना, मित्र रह चुके हैं ये, अब पुलिस को इनके बारे में पता चल गया, तो कहीं ना कहीं आप किसी के फ्रेंड हैं तो कुछ तो एटलीस्ट आप उसके बारे में जानेंगे, कुछ भी नहीं जानेंगे, है ना। पिक्चरों में देखा होगा ना कि डाउट है तो घर वालों को उठा के ले आते हैं या दोस्तों को उठा के ले आते हैं, देखा कि नहीं देखा, मूल के एक पिक्चर आई थी उसमें देखा होगा आपने, अगर देखा है। ठीक है, तो ये क्या है, अब आपने तो अपराध नहीं करा, अब आपका अपराध एक ही है कि आप उसके दोस्त हैं, ये आपका सबसे बड़ा अपराध है, उसका दंड क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, पूछताछ होगी आपसे, है ना, हो सकता है आपके में रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड और CDR ये सब देखा जाए, कुछ मिलेगा तो आपको आगे रखेंगे, अदरवाइज आपको प्रणाम करके छोड़ देंगे। ठीक है, यही तो होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही बातें किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, है ना, मतलब जो सबसे टेक्निकल आर्टिकल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सिर्फ दो ही आर्टिकल थोड़े टेक्निकल हैं, बाकी सब तो सीधे सीधे जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, एक है आर्टिकल नंबर 20, एक है आर्टिकल नंबर 22, क्योंकि ये दोनों सेफ करते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण और देहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 22 बोल रहा है कि जो लिबर्टी है वो तो हम देते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्ट जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 20 लिबर्टी दे रहा है, लाइफ एंड लिबर्टी, यही तो अपन ने पढ़ा था। आर्टिकल 21 में क्या पढ़ा था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण मतलब लाइफ और लिबर्टी मतलब, तो स्वतंत्रता तो है, खूब है, भर भर के है, लेकिन किसी भी कंडीशन में लिबर्टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन नेशनल सिक्योरिटी, किसी भी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्र की सुरक्षा से ऊपर हो सकती है क्या, और यही तो आर्टिकल 22 चीख चीख के बोल रहा है। आर्टिकल 21 स्वतंत्रता दे रहा है, खूब एंजॉय करिए, लेकिन जब आपकी वो स्वतंत्रता नेशनल सिक्योरिटी में अगर कोई बाधा डालती है तो क्या बड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी है कि फिर भी आपको स्वतंत्रता चाहिए, फिर तो देखना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा ना कि कहीं आपकी स्वतंत्रता नेशनल सिक्योरिटी को तो कम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस बात को इस आर्टिकल पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसी तरह की डिबेट हुई कि क्या वजह है कि इस आर्टिकल में एकदम पूरे संविधान के विपरीत ही एक बात रख दी गई प्रिवेंटिव डिटेंशन की, डाउट के बेसिस पर ही अरेस्ट कर लो और 3 महीने तक पकड़ के रखो, एक तरफ आप इतने बड़े बड़े अधिकारों की बात करते हैं, तो उसको आंसर किया भीमराव अम्बेडकर ने, और उन्होंने बोला कि लिबर्टी अच्छी बात है, लेकिन जब लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस किसी देश की सुरक्षा में बाधा बन जाए या उसकी सुरक्षा को हार्म करे, तो ऐसी कंडीशन में नेशनल सिक्योरिटी ऊपर होगी, फिर आपकी जो लिबर्टी है मतलब आपको जो स्वतंत्रताएँ मिली हैं कि गिरफ्तार करने के बाद भी आप वो स्वतंत्रता मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, यही आर्टिकल 22 है। आया समझ में, आगे आर्टिकल 22 समझ में। ठीक है, तो 20, 21 और 22, 21 आर्टिकल हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आर्टिकल बरकरार रहेगा हर परिस्थिति में या नहीं रहेगा, ये आपको 20 में बता दिया है, और कुछ बची कुछ बातें आपको
22 में बता दी। बात समझ में आ गई है? तीनों ही बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है? और ये आपको कभी भूलना नहीं, ठीक है? रटोगे तो कभी भी याद नहीं होगा। इसको क्या कर लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, आप समझ लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है, इसको लिख लेते हैं, फिर अगर कोई डाउट आएगा तो पूछना, फिर अपन इसको एक बार और समझ लेंगे, ठीक है? जितने भी डिफ़िकल्ट आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के अंदर, उनमें जो सबसे डिफ़िकल्ट है वो यही है। और अगर ये आपने समझ लिया तो इससे डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। वैसे तो ये सबसे ईजी है, लेकिन सोचते हैं लोग कि ये डिफ़िकल्ट है। कारण क्या है, इसमें दो अलग अलग बातें बोली। क्या बोली हैं? दो अलग अलग केस दिए। एक केस में दिया नॉर्मल गिरफ्तारी, जैसे हम जा रहे हैं और कुछ मतलब कि कांड हो गया है, कुछ केस हो गया है, या हमको पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो उसमें हमारे नॉर्मल राइट है, क्योंकि हम अपराध किया है हमने, तब हमारी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अगर डाउट के बेस पे जा रहे थे, उनको लगा अरे यही वो अपराधी हो सकती है, और फिर हमको पकड़ा तो फिर सीधा। लेकिन ऐसे ही नहीं कि बस देखा और पकड़ लिया, उसके लिए उनके काफ़ी सारे क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं, जो लंबे समय तक नज़र रखते हैं कि ये व्यक्ति डाउटफुल है। उस पर कई महीनों तक क्या किए जाती है, उसकी लोकेशन, उसके कॉल, हर एक चीज़ डिटेल में इन्वेस्टिगेट होती, तब जाके उसको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि बस किसी को भी पकड़ लिया। क्लियर है, हो गया? चलिए, तो काफ़ी सारी पिक्चर्स भी हैं ऐसी जिनमें ये बताया गया है, मूल का आप देख सकते हैं, ठीक है? और ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा था प्रीवियस क्लास का पॉइंट बता दो, आर्टिकल 22 हेडिंग डाली थी, ठीक है? चलिए लिखेंगे आगे, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 से गहरे तौर पर संबंधित है, अनुच्छेद 21 से गहरे तौर पर संबंधित है, अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को, अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सॉरी। तथा प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 22 स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ब्रैकेट में इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है अरेस्ट, गिरफ्तार ब्रैकेट में लिखिए अरेस्ट, या ये भी एक वर्ड है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है लीगल लैंग्वेज में, या निरुद्ध इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिटेन्ड या कैद करना, हिंदी में निरुद्ध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिटेन, डी ई टी ए आई एन,
इसको और सिंपल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, कैद कर देना, ठीक है। किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को कैद किया है तो कौन सा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है? दैहिक स्वतंत्रता। आपकी कौन सी, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया तो उसकी कौन सी स्वतंत्रता खतरे में? प्राण तो वो जिंदा रहेगा जेल के अंदर भी, लेकिन क्या वो अपनी बॉडी को मन मर्जी से मूव करा सकता है? उसका मन हो रहा है मुझे इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, जा सकता है? उसका मन हो रहा है मुझे बढ़िया अच्छे से सोफे पे लेटना है या बिस्तर पे मस्त सोना है, एसी चालू करना है, ठीक है, कर सकता है? कर सकता है? कौन सी स्वतंत्रता वॉयलेट होती है जब किसी को अरेस्ट करते हैं, जो कि किसका वॉयलेशन है? आर्टिकल 21। लेकिन क्या बोला है, विधि के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर उसने कोई विधि और उसको तोड़ा है तो ऑफकोर्स उसकी दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, इवन प्राण भी छीने जा सकते हैं अगर उसको फांसी की सजा हुई है तो। इसलिए तो हमने लिखा आर्टिकल 20 और 21 और 22 क्या है, क्योंकि अरेस्ट करने का जो प्रावधान है वो सब 22 में ही। तो अरेस्ट करना मतलब किस चीज़ को छीन लेना, उसकी लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? लिखिए आगे, जो कि उसे दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करता, जो कि उसे दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना ही है वंचित करना ही। मेनका गांधी केस 1978 में, या मेनका गांधी मामले 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 22 अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वह अनुच्छेद 21 का पूरक है, अतः इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वस्तुतः गिरफ्तारी या निरोध के दो प्रकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला दंडात्मक निरोध, इसको अंग्रेजी में प्यूनेटिव डिटेंशन बोलते हैं, ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख लो प्यूनेटिव, PUNITIV, प्यूनेटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध। और दूसरा होता है निवारक निरोध, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। पहला प्यूनेटिव डिटेंशन, जिसको दंडात्मक निरोध बोलते हैं, दूसरा है प्यूनेटिव, पहला प्यूनेटिव हो गया, दूसरा है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो दूसरा वाला है वही कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, वही इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब आशंका के आधार पर गिरफ्तारी। दंडात्मक में तो क्या हुआ, उसको अपराधी समझ के कोर्ट ने दंड दे दिया, ये प्यूनेटिव है, लेकिन आशंका के आधार पर किया तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना, ठीक है ना। एक बहुत ही पॉपुलर, हाँ
एक बहुत ही पॉपुलर सा कोट सुना होगा, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना, प्रिवेंशन से ही प्रिवेंटिव बना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, चलिए, मतलब सावधानी रखना है ना, आप बीमार पड़ गए और आपका इलाज हो रहा है, उससे अच्छा है आप कोशिश करो कि आप बीमारी, अब कोई व्यक्ति अपराध कर दिया फिर आप उसको पकड़ के सजा दे रहे हो, इससे अच्छा है कि अपराध करने से पहले उसको पकड़ लो, तो अपराध भी नहीं होगा और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी ना। तो इसीलिए प्रिवेंटिव इज़ बेटर देन क्योर, तो वहीं से प्रिवेंशन वर्ड का मतलब है रोकथाम करना। क्या करना? रोकथाम। किसकी रोकथाम? अपराध करने की। अपराधी को अपराध करने से पहले ही क्या कर देना? रोक देना। ठीक है, ये क्या है? प्रिवेंटिव, और ये इंडिया में बहुत ही प्रिवेलेंटली यूज़ होता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में लिख लो थोड़ा इंट्रो, फिर आगे लिखते हैं अपन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, लिख लिया था इतना, लिखेंगे आगे, इन सर्टेन केसेस। लिखेंगे नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट being informed as soon as maybe of the ground for such arrest nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioners of his choice. Second point hai, every person who is arrested, and detained in custody, shall be produced before the nearest magistrate, within a period of 24 hours ठीक है, हिंदी में लिख लो। दो तरीके हैं ये, पहला है दंडात्मक और दूसरा है निवारक। ठीक है,
दो इम्पोर्टेंट है, दोनों लिख लीजिए इसके बारे में। दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी इसलिए की जाती है, दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी इसलिए की जाती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह है, तथा उस पर अपराध सिद्ध हो गया है, अतः उसे कारावास में रखा जाने की जरूरत है, जबकि निवारक निरोध इससे भिन्न है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन इससे भिन्न है। इसमें किसी अनुचित कार्य को किए जाने के कारण व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए गिरफ्तारी इसलिए होती है कि वह कोई अनुचित कार्य ना कर सके। इसको अंडरलाइन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति कुछ अनुचित ना करे, डाउट के आधार पे उसको उठा लेते हैं, ठीक है। अनुचित कार्य ना कर सके, लिखेंगे आगे। जिस व्यक्ति के संबंध में यह संभावना होती है, कि वह कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकता है, उसे अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना निवारक निरोध है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन है। दोनों समझ में आ गए क्या? हाँ, उसके लिए भी सेकंड वाला जो है वो उसको भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में लिखो आगे।
क्या लिख रहा था नेक्स्ट पॉइंट इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा था बताओ अमन एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी शैल प्रोड्यूस रिपोर्ट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ओके 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट अथॉरिटी बियॉन्ड द सेड पीरियड without the authority of magistrate likhenge point number 3 nothing in clauses 1 and 2 shall apply डैश करके लिखेंगे ए पॉइंट ए बना के टू एनी पर्सन हु फॉर टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन For time being, is an enemy alien. B point. To any person who is arrested or detained under any law. Providing for preventive detention. Fourth point. No law providing for preventive detention. Shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless हिंदी मीडियम में लिखेंगे आगे क्या लिखा था निवारक निरोध है यहाँ तक लिख लिया था लिखो आगे जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो डैश करके अब यहाँ पे पॉइंटर बना के लिखेंगे कौन कौन से प्रोविज़न है अगर व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो पहला सरकार
सरकार या पुलिस ऐसे व्यक्ति को केवल 3 माह तक अभिरक्षा को कस्टडी बोलते हैं इंग्लिश में, 3 माह तक अभिरक्षा ब्रैकेट में कस्टडी में रख सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध करना है या कैद करना है, 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध करना है, तो सलाहकारी बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। ये वाला जो बोर्ड है ना, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस वगैरह रहते हैं, तो सलाहकारी बोर्ड का प्रतिवेदन से अधिक गिरफ्तार या कैद करना है, जिसको हमने निरुद्ध वर्ड भी यूज़ करा था, तो सलाहकारी बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। यह सलाहकारी बोर्ड उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर ही बनेगा। दूसरे नंबर का पॉइंट है, कैद व्यक्ति को यथाशीघ्र कैद करने का कारण बताया जाएगा। किंतु वे तथ्य नहीं बताए जाएंगे जिन्हें प्रकट करना लोक हित के विरुद्ध समझा जाता है, या जिन्हें प्रकट करना लोक हित के विरुद्ध होगा। मतलब इससे कि पब्लिक जो पीस है वो भंग हो सकती है ना। लिखेंगे, कैद व्यक्ति को गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाएगा। प्रतिवेदन या अपील करने के लिए
शीघ्र अति शीघ्र अवसर दिया जाएगा या अवसर दिया जाना चाहिए, ऐसा लिखा है इसमें, अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, संसद को यह शक्ति है कि वह संसद को यह शक्ति है कि वह निर्धारित करे कि वह निर्धारित करे कि निवारक निरोध निर्धारित करे कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी। जैसे यहाँ पे 3 महीने कम या ज़्यादा भी हो सकती है। निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी, इसी में लिखेंगे। अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने, अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए, कई कानून बनाए, जैसे मीसा, MISA, मीसा, है ना। जब भी किसी को ऐसा, तो सारे लेटर कैपिटल में आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मीसा का फुल फॉर्म क्या है, जैसे मीसा बड़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इमरजेंसी के ड्यूरिंग इसी का यूज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। मीसा फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन अधिनियम। किस वर्ष पास हुआ मीसा, 1971। 1971 में प्रिवी पर्स भी पास हुआ था, ये क्वेश्चन आया है इस बार, पढ़ा था कि नहीं क्लास में, प्रिवी पर्स पढ़ा था, याद है कि नहीं है दिव्या, याद है ना क्या था प्रिवी पर्स, बताओगे। हाँ बिल्कुल, जब इंडिया में रियासतों का एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जो प्रिंसली स्टेट हुआ, तो जितने भी रियासतों के राजा महाराजा थे उनको एक ऑफर दिया गया कि अगर आप भारतीय संघ में मिलेंगे तो भारत सरकार आपको एक पर्टिकुलर डिसाइडेड अमाउंट एनुअली देगी। कौन देगी, इंडियन गवर्नमेंट। जैसे अभी राज्यों को फंड मिलता है ना बजट, वैसे ही प्रिंसली स्टेट को क्या मिलेंगे, एनुअल पैसे मिलेंगे भारत सरकार की तरफ से, उसको बोला गया प्रिवी पर्स। क्या बोला गया, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था रियासतों का एकीकरण। भारत में 565 रियासतें थीं, ठीक है, जिनमें से कुछ पाकिस्तान चली गई थी, रेस्ट ऑफ दी 552 के लगभग इंडिया में बची थी। अब ये सब अलग रहना चाहते थे, जैसे भोपाल भी एक रियासत थी, ठीक है, यहाँ के जो राजा थे वो क्या करना चाह रहे थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे थे। बाद में प्रेशर में आके और प्रिव्यू पर्स के चक्कर में इन्होंने भारत से विलय स्वीकार कर लिया, ठीक है। विंध्य स्टेट भी एक अलग रियासत हुआ करती थी जो कि मध्य प्रदेश के पार्ट है। सेंट्रल प्रोविंस भी एक रियासत थी जो कि MP के पार्ट है। यूनाइटेड प्रोविंस जो कि उत्तर प्रदेश में था,
तो प्रिवी पर्स के बारे में हमने क्या देखा कि क्यों दिया जा रहा था प्रिंसली स्टेट को। फिर जब गवर्नमेंट आई तो उस समय बहुत बड़ा इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट आई तो वो पावर्टी को दूर करना चाह रहे थे। और पावर्टी कैसे दूर होगी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, नारा ही दिया था गरीबी उन्मूलन। क्या नारा था? पावर्टी इरेडिकेशन। तो जनसंख्या को कम करना और गरीबी को कम करना, ये दो एजेंडे थे, क्योंकि ये दो बड़ी समस्याएं थी। और देश की आज़ादी को भी काफ़ी समय हो गया था, है ना, 47 में देश आज़ाद हुआ और 71 का पीरियड आ गया था। और अच्छी मेजोरिटी से सरकार बनी तो इन्होंने क्या करा, प्रिवी पर्स को ख़त्म करने का एक एक्ट पार्लियामेंट में पास कर दिया। और प्रिवी पर्स कब ख़त्म हो गया भारत से, ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कि भारत से प्रिवी पर्स किस वर्ष खत्म हुआ, तो आंसर क्या था, 1971। क्या था प्रिवी पर्स? हाँ, भोपाल की स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन था, ये भी पढ़ा था अपन ने इसे ड्यूरिंग, ठीक है। तो सिर्फ 15 दिन की पॉलिटी की क्लास से लगभग 7-8 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे पॉलिटी से कि 3 साल भी पढ़ लोगे ना तब भी वो किसी से नहीं बनते। कितने? 3 साल सिर्फ पॉलिटी पढ़ लोगे ना तब भी वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी थे, जैसे आर्टिकल 108 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो कितना भी पढ़ लोगे वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है और वो मेन संविधान में ही आपको देखने को मिलेगा। बस क्लियर है? चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हाँ, उसको नहीं ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोलती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं एग्ज़ाम में, 8 से 10 क्वेश्चन किसके लिए बने होते हैं, छोड़ने के लिए बने होते हैं, वो उनमें से। अब इतने शेड्यूल याद करते रहोगे तो 1 महीना तो उसी में पढ़ने में लग जाएगा, इतना समय है क्या? स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन किस लिए डाले जाते हैं, ताकि उनको आप छोड़ दें, या कई बच्चे आप उनमें ही परेशान होंगे और पूरी शेड्यूल रटेंगे, तो वो पॉसिबल है क्या? 395 तो आर्टिकल याद हो नहीं रहे, उस शेड्यूल के पीछे कैसे भागोगे? तो वो ज़रूरत नहीं है। वो अगर तुक्के में सही हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है इतना। चलिए, तो प्रिवी पर्स समझ में आ गया क्या था, हो गया क्लियर। देसी रियासतें थी, उनको दिया था भारत सरकार ने हर साल। कब ख़त्म हो गया? 1971। तब राजाओं का जो दाना पानी था वो ख़त्म कर दिया, तो वो विरोध नहीं होंगे क्या इंदिरा गांधी के? ऑफकोर्स होंगे, बहुत सारे दुश्मन बन गए थे उनके, जितने बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका उस समय भी था, तो वो सब उनके क्या हो गए थे कि हमारा पूरा खर्चा पानी बंद करा दिया, हाँ उस समय तो हमको लालच दे के मिलवा लिया, अब तो सब कुछ छीन लिया, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा चीटिंग इनके साथ हुई, ये राजा महाराजा देसी रियासतों को जो चला रहे थे उनके द्वारा। क्लियर है इतना? चलिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या? तो हमेशा याद रखना, प्रिवी पर्स मीसा एक्ट भी इसी साल आया, ठीक है। कौन सा एक्ट आया? जो इमरजेंसी लगी हमारे देश के अंदर, कब लगी थी? 1975 और 1975 की इमरजेंसी में इसी अधिनियम के अंतर्गत जेल ठूसो जेल भरो सब कुछ इसी के अंतर्गत हुआ, ठीक है, जिसको भारतीय इतिहास में काला दिन बोलते हैं, 25 1975, 3 साल तक लगभग 77, ठीक है, 77 में फिर नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई, मुरारजी देसाई पहले क्या बने, नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने भारत के। मीसा एक्ट क्लियर है? क्या है मीसा का फुल फॉर्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब इंटरनल इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी लगी थी उस समय? और ये एक्ट उस समय लागू था जिसमें बिना कारण बताए किसी को भी धर दबोचा जा सकता था, कितने भी समय तक किसी को भी जेल में रखा जा सकता था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए लिखेंगे इसमें, तो मीसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, होमवर्क लिख लो, आप मीसा पढ़ सकते हैं थोड़ा डिटेल में अगर आपका मन करे तो। सिलेबस में खैर नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा पढ़ के लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी सिलेबस में मीसा एक्ट मेंशन, बट कभी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या कभी किस ईयर में ये आया था ये पूछा जा सकता है,
ठीक है, तो प्रिवी पर्स भी इसी साल ख़त्म हुआ, ठीक है, और इसी साल क्या आया, मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। चलिए दूसरे लिखेंगे, जैसे मीसा, टाडा, TADA, टेररिस्ट एंड डिसरप्शन एक्टिविटीज, फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1985। उन्नीस सौ 85 से 95 तक रहा, 95 में इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फुल फॉर्म भी आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, ठीक है, या हिंदी में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, वर्ष 1985 में आया, 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्लियर है, तो कब खत्म कर दिया इसे और आया कब, स्पेसिफिकली पंजाब वाले रीजन में टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए आया था, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार आपने नाम सुना होगा, सुना है, पंजाब में खालिस्तान की मांग करने के लिए काफ़ी दिनों से सब अलग, पंजाब एक देश या पंजाब कंट्री अलग बनाए, इसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, ठीक है। तो उसी ड्यूरिंग वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और उसी के बाद से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स इंदिरा गांधी को रहा और उनके सिख गार्ड ने उनको असासिनेट कर दिया 84 में, ठीक है। तो उसके बाद वहीं पर लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटी से रोकने के लिए ये एक्ट आया था, ठीक है। कब ख़त्म कर दिया, 1995, ठीक है। तो टाडा याद रख लेना, संसद ने बनाया था किसके लिए, निवारक निरोध, ठीक है, कि डाउट है तो पकड़ो और जेल में ठूसो। नेक्स्ट एक्ट संसद ने ही बनाया है, NSA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है। कब का है 1900, ये अभी करंट में एक्टिव है, बड़ा खतरनाक है। कोविड के ड्यूरिंग इंदौर में 4 लोगों के खिलाफ ये एक्ट लगाया था इनिशियली, ठीक है, बहुत खतरनाक एक्ट, इसमें एक बार गए ना तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको होमवर्क लिखो, इसको एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, होमवर्क लिख लीजिए NSA, क्योंकि ये एक्टिव है। टाडा वगैरह ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी खत्म, संजय दत्त का जो डिटेंशन था वो टाडा के अंतर्गत ही था। संजू पिक्चर देखी है कि नहीं, देखिए तो उसमें जो काम की चीज़ है, जो लीगल प्रोसेसिंग थी, दिखाई ना कुछ, है ना, वो काम की है आपके, तो वो कौन सा एक्ट के अंतर्गत, टाडा। अगर हथियार वगैरह भी रखे हैं आपने, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में भी हैं जो वेपन्स का डीलर वगैरह है, और उसी ड्यूरिंग, जिस ड्यूरिंग आपने कांटेक्ट रखा है, आपको पता भी नहीं वो व्यक्ति ऐसा है, और उस शहर में क्या हो जाते हैं, कुछ ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं, फिर तो देखो कौन, भगवान भी आपको आके बचा ले, तो फिर तो आप भी लंबे ही जाओगे, ठीक है। तो यही उनका भी कॉन्टैक्ट था अंडरवर्ल्ड के साथ, भले ही वो इन्वॉल्व हो नहीं हो, वो एक सेकेंड थिंग है, बट टाड़ा तो लग गया था, ठीक है। तो बड़ा ही क्या है, खतरनाक ये एक्ट था। खैर इसकी कई मिसयूजेस हुए, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, खत्म। लेकिन NSA भी, वो आर्म्स के लिए लाइसेंस हो तो,
तो बिल्कुल चलेगा, आपकी लाइसेंस है। पहली बात तो आपको जो ख़तरनाक आर्म्स हैं जो कि बड़े बड़े वॉर वगैरह में यूज़ होते हैं, उसका लाइसेंस मिलेगा नहीं। आप आर्म्स क्यों रखते हो? कोई व्यक्ति हथियार इसलिए रखता है ताकि वो खुद की सिक्योरिटी कर सके। क्या कर सके? तो आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है अपनी लाइफ बचाने का, आप रख सकते हो। लेकिन लाइसेंस में कितनी, ऐसे थोड़ी मिलेगी कि आप पूरे एक बंदूक चलाओ तो आधा शहर गायब हो जाए। इतने डेंजरस वेपन आपको अलाउ करेंगे क्या सेल्फ सिक्योरिटी में? हाँ, जो नॉर्मल गन्स होती हैं वो अलाउ करते हैं। लाइसेंस रखो, किसने रोका है आपको? लाइसेंस ऐसे हवा में नहीं मिल जाता, चप्पल नहीं घिस जाती लेने के लिए, है ना। कलेक्ट्रेट से आप जाके और वहाँ से आपको परमिशन मिलती है और आपको बताना पड़ता है क्यों, किससे खतरा है, हर एक चीज़ रजिस्टर्ड होती है। काउंटेड गोलियाँ, पुलिस वालों को तक काउंटेड गोलियाँ मिलती है, तो आम जनता आम सिविलियंस तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो लाइसेंस आप रख सकते हैं, लेकिन आप ख़तरनाक वाली बंदूकें रखोगे? कौन कौन सी तो है, मुझे तो नाम भी याद नहीं, ठीक है। इतना तो वो तो सिर्फ टेररिस्ट वगैरह ही रखते होंगे, है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, क्रिमिनल्स। हाँ, क्या सेना? ऑफकोर्स उनके फंडामेंटल राइट ही है, वो उसके बिना चल ही नहीं सकते, ठीक है। क्लियर हो गया अमन? तो लाइसेंस वाली रखो, है ना, लेकिन सिर्फ जो साधारण, जिससे कोई ऐसा नहीं कि एक ही गोली में ऊपर तुरंत ही मर जाए, मतलब थोड़ा सा आप किसी को घायल कर सकते हो, इतना लिखेंगे आगे। तो एनएसए वेरी इंपॉर्टेंट है, 1918 है, होमवर्क है कि आप इसे क्या करें, पढ़ें एक बार, ठीक है। अभी रिसेंटली एमपी में काफ़ी यूज़ हुआ है इसका, इंदौर में एनएसए का बहुत यूज़ हुआ है कोविड पेंडेमिक के ड्यूरिंग, ठीक है। चलिए, और ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार यही है, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी रॉयल एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, वो भी क्या था, बिना वकील बिना अपील बिना दलील का काला कानून, रॉयल एक्ट 1919 में आया था ना, सिडनी रॉयल एक्ट लेकर आए थे, वो क्या था? वो भी तो एक तरह से एनएसए ही था, सिक्योरिटी के लिए ही था। किसकी सिक्योरिटी? अंग्रेज़ों की। किसी पे डाउट है तो उठा के दर्द पहुँचा, है ना। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया था एनएसए उस समय के प्रिवेंटिव एक्ट के अंतर, इसी के बाद तो क्या हो गया, जलियावाला बाग इंसिडेंट, लोग इकट्ठे हो गए जलियावाग में कि हम अपने दोनों नेताओं को छुड़ा के दम लेंगे। जनरल डायर आया, दिमाग ही ख़राब हो गया कि इतना बड़ा एक्ट बनाया फिर भी पब्लिक इकट्ठी हो गई, गोली चलवा दी और एक बड़ा सा मैसेकर हो गया भारतीय इतिहास, क्या बोलते हैं जैसे, जलियावाला बाग हत्याकांड, अमृतसर के जलियावाला बाग में 19 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, जलियावाला बाग मैसेकर, बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, ठीक है। तो एनएसए होमवर्क लिख लो, पढ़ लेना एक बार, इसको करंट में था, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, कोई पहली बार नहीं है। अंग्रेज़ों की ड्यूरिंग ऐसे कई एक्ट आए, जैसे एक एक्ट आया था बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1818, वो भी कुछ इसी नेचर का था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डाउट के आधार पे अरेस्ट कर लेना और जितने दिन चाहो उतने दिन मेहमान बना के रखना जेल में। फिर आया 1919 रॉयल एक्ट, ठीक है, उसके बाद तो अंग्रेज़ों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जलियावाला बाग मैसेकर के बाद गांधी जैसे लोग जो अंग्रेज़ों को अब तक फेवर कर रहे थे, अब सब उनके क्या हो गए, अरे अगेंस्ट हो गए। और एक बहुत बड़े लेवल पर इसके जस्ट एक साल बाद 1920 में देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। और उसके बाद तो फिर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए टोटली क्या होना पड़ा, एकदम मजबूर होना पड़ा और 47 में उनको जानी पड़ा। क्लियर है इतना? चलिए लिखेंगे आगे। तो एनएसए बड़ा इम्पोर्टेंट है, कल सबकी कॉपी में इसको देखा जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आगे। तो ये सब एक्ट हैं, और भी कई सारे एक्ट बने लेकिन ये तीन बेसिक एक्ट हैं। तो प्रिवेंशन के लिए पहले एक्ट होगा, फिर क्या होगा, लोगों का प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा, ठीक है। पहले अधिनियम बनेगा, क्योंकि हमारे देश में क्या है, प्रोसीजरल इस्टेब्लिश बाय, कोई भी काम बिना लॉ के हो सकता है क्या? अगर किसी को आपने अरेस्ट कर लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, तो करोगे क्या, उसका चार बनाओगे क्या?
लेकिन पहले लॉ होगा तो उस लॉ के हिसाब से उसके आगे की क्या होगी, कार्यवाही होगी। तो मस्ट है कि पहले क्या हो, लॉ, बिकॉज हमारे देश में प्रोसीजरल इस्टेब्लिश बाय लॉ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है कि विधि घटना को देखकर विधि बना दी और फिर उस पर वो चीज़ अप्लाई कर दी, ऐसा नहीं है। क्या है? प्रोसीजरल इस्टेब्लिश। समझ में आ गई यहाँ तक चीज़ें? क्लियर हो गई हैं? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? इंग्लिश में लिख लो अब अमन, ठीक है, फिर हिंदी में कुछ पॉइंट और लिखेंगे और देन ये आर्टिकल फिनिश। ठीक है, हमने इसको वैसे नहीं लिखा जैसे संविधान में पॉइंट एक में ये लिखा, दो में ये लिखा, तीन में, हमने इसको कलेक्टिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी ताकि मेंस में अगर आपसे पूछ ले तो आप इसको डिटेल में सीक्वेंस से क्या कर सको, एक्सप्लेन करके आ सको। ठीक है, लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट बताओ ज़रा? ठीक है, 3 मंथ के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ही पड़ेगा। अगर 3 महीने से ज़्यादा रिमांड बढ़ानी है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड किन से मिलके बनेगा? या तो हाई कोर्ट के जज होंगे, रिटायर्ड होंगे, या एक्टिंग होंगे जो उस समय काम कर रहे होंगे, या फिर कोई ऐसे बंदे होंगे जो एलिजिबल होंगे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, उनकी एक ग्रुप होगा जिसको हम बोलेंगे बोर्ड, और वो बोर्ड एडवाइस करेगा कि इस व्यक्ति का डिटेंशन 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो सामान्य गिरफ्तारी में 24 घंटे से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्या? सिर्फ मजिस्ट्रेट बढ़ा सकता है। अगर पुलिस 24 घंटे में उसको पेश नहीं कर पाती है या उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इंतजाम नहीं कर पाती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, जाओ भैया, अगर कुछ नहीं मिला आपके खिलाफ। क्लियर हो गया यहाँ तक? लिखो आगे, इंग्लिश मीडियम में लिख लो, हिंदी मीडियम में एक बार रिवाइज कर लो, कुछ भी डाउट हो पूछो, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आएगा। लिखो इंग्लिश में अमन। थ्री मंथ वाला पॉइंट लिख लिया था, इसके आगे लिखेंगे। मंथ, 3 मंथ अनलेस, अनलेस करके डैश करके लिखो, ए बी करके, 3 मंथ अनलेस डैश ए पॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड consisting of persons who are qualified to be appointed as judges of a high court। अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जिक्र नहीं आया, क्वेश्चन क्या आएगा कि जो क्वालिफाइंग बोर्ड है उसमें हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, ऑप्शन बी, कोर्ट दे देगा ओनली वन ओनली टू, दोनों करेक्ट हैं या दोनों करेक्ट, आंसर क्या होगा, क्योंकि सिर्फ हाई कोर्ट के रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे। अब याद कैसे करोगे, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कम जज हैं, 30+1 है, और यही सारा काम देखेंगे तो बाकी जजमेंट कब सुनेंगे वो? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है टोटल, कम ही तो है। हाई कोर्ट में तो हर 25 हाई कोर्ट है, कुछ जज होंगे जो फ्री होंगे तो वो इधर का काम भी निपटा लेंगे, ऐसे करके आप दिमाग में इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब वहाँ दोनों टिक मार के आ गए, दिमाग खराब हो गया, ये कौन सा प्रश्न पूछ लिया, ये तो हमने पढ़े ही नहीं, तो पढ़ा है आपने ओनली एंड ओनली हाई कोर्ट। क्लियर है? इसको अंडरलाइन कर लेना। क्या लिखा था इंग्लिश मीडियम में? हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट,
ठीक है, हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द, हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सैड पीरियड, सैड पीरियड ऑफ थ्री मंथ, पीरियड ऑफ थ्री मंथ, दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशियंट कॉज फॉर सच डिटेंशन, ओपिनियन सफिशियंट कॉज फॉर सच डिटेंशन. लिखेंगे पैरा चेंज करके, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शल अथोराइज्ड, सब क्लॉज शल अथोराइज्ड द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन, द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड, person beyond the maximum period prescribed by any law, prescribed by any law made by parliament, लिखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी communicate such person to ground on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation, against the order. नेक्स्ट, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब दी सरकमटेंसेस अंडर विच एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस क्लास और
classes of cases in which person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board, Parliament may पैरा चेंज करके लिखेंगे पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन मेक्स लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन सच एज मीसा एग्जाम्पल में लिखेंगे मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 टाडा कब का है 1985 एंडेड इन 1995 स्पेसिफिकली पंजाब में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए टाडा आया था एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 ठीक है तो ये तो आर्टिकल 19 में स्पेसिफिक पनिशमेंट की बात कर रहे हैं दो बातें अभी तक हमने करी एक हमने करी निवारक एक निरोध निवारक में अपराध हो गया है अब सजा देनी है निरोध में अपराध करना नहीं है करने से पहले अपराधी को पकड़ के और उसके कौन कौन से साथी अपराध कर सकते हैं वो भी राज से उगल वाले ने होता है ना सर पकड़ लेते हैं कई सारी उसमें आपने कितनी सारी तो पिक्चर है ना बॉलीवुड में इतनी सारी जिनमें ये बताया जाता है टेररिस्ट पर तो कितनी साइबर सेल पर कितनी पिक्चरें बनी हुई हैं ठीक है तो हॉलीडे में देखा होगा आपने एक बेबी आई थी उसमें देखा होगा देखी ये सारी पिक्चरें नहीं देखी है देखते ही नहीं हो आप लोग हाँ क्या करते रहते हो फिर कुछ काम की चीज़ तो देख लिया करो हॉबीज़ क्या हैं कुछ अच्छी ढंग की हॉबीज़ हैं कि नहीं है सिर्फ फ़ोन चलाने के अलावा कोई हॉबी नहीं है इसका उसका स्टेटस देखना कमेंट करना ये हॉबी तो नहीं है आप लोगों की हाँ है क्या किसी की हॉबी तो छोड़ दो ठीक है ये सिविल सर्विसेज में ये सब चीज़ों का समय भी नहीं है ठीक है कुछ अच्छी ऐसी हॉबीज़ पालिए जो आपको आपके स्टडी में भी और आपके दिमाग को खोलने में आपकी क्या करें हेल्प करें ठीक है और चीज़ों को कुछ देख रहे हो कुछ पढ़ रहे हो तो उसको सिलेबस से कनेक्ट कर सको है ना किसी के स्टेटस को देख के ये सब नहीं हो सकता ठीक है आपको अगर अपना स्टेटस बनाना है तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा किसके ऊपर अपने आप को शार्प करना पड़ेगा ठीक है इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमारी हॉबीज़ भी वैसी रहें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो इन दी प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन में भी उस चीज़ का हम लाभ उठा पाए ठीक है चलिए तो अब ये तो स्पेसिफिक केस की बात होगी अब सामान्यतः जो अपराधी पकड़ा गया है उसके लिए बता ही दिया 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो कारण बताए बिना अरेस्ट नहीं करना है हाँ और अगर आपने नहीं कर पा रहे हैं 24 घंटे के अंदर
उसके खिलाफ कुछ, तो आपको बोलना है भैया घर जाइए आप, ठीक है। पुलिस सर्विसेज में अगर आप जाते हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिविल सर्विसेज के जरिए दो जगह, आप बेसिकली काफ़ी सारी जगह, लेकिन मेनली टू फील्ड है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, ठीक है, जिसमें रिवेन्यू हो सकता है और तमाम तरह के अदर मैटर हो सकते हैं, वहाँ पे आप सिविल वाले मैटर्स देखोगे। क्या देखोगे? सिविल मैटर्स, ठीक है। इवन आप डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनते हो तो SDM का काम आप संभालते हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो आपके सामने भी कुछ कैदियों को लेकर आएंगे, है ना, और वो सारे मैटर। लेकिन आप सिर्फ कौन से मैटर देखोगे? सिविल। आप क्रिमिनल केस नहीं देखो, पता लगा कोई क्रिमिनल आया और आप ही बंदूक टांग दी, ऐसा नहीं। आप कौन से मैटर देखोगे? सिविल। लोक अदालत, कुटुंब अदालत वगैरह लगेगी, तो हो सकता है आप वहाँ जाओ और लोगों के मुद्दे क्या करो, सॉल्व करो। तो पता तो होना चाहिए क्या होता है, पता लगे अपने ही घर में मुद्दा अलग चल रहा है, दूसरों का क्या सॉल्व करेंगे। तो मजिस्ट्रेट के तहसीलदार वगैरह आप बनते हो तब भी आपको एज अ मजिस्ट्रेट काम करना पड़ता है, कई सारे जजमेंट आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है, और वो आप तभी लिखते हैं जब आप चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का आइडिया आपके पास होता है, ठीक है। और क्रिमिनल केस के लिए तो फिर जो एक सिस्टमेटिक कोर्ट है ना, जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो देखता है, लेकिन आप एज अ मजिस्ट्रेट की हैसियत से भी आप ज़िले में काम करते हो। दूसरी चीज़ है, आप पुलिस सर्विसेज में जाते हो, ठीक है, जिसमें DSP वगैरह और उसके नीचे की रैंकिंग है, उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप यही सब करते हो, है ना, कि कोई बड़ा अपराधी है और उसका मिशन है कि गिरफ्तारी करना है आपको, आपके थाना, आप जिस थाना के प्रभारी हो वहाँ पे अपराध हो गया है, तो अब आपकी इज्जत का सवाल है कि आपके रहते अपराध कैसे हो गया। पहले तो ये सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था थी कैसी आपकी, किसके ऊपर बिल फटेगा, सारा प्रेशर, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे मीडिया का प्रेशर हो, चाहे उस जिसके विरुद्ध अपराध हो उसके परिवार का प्रेशर हो, सब आपके सर पर ही आकर। अब आप तो अपने कैबिन में बैठे, आपको पता ही नहीं था किधर कौन अपराधी अपराध करके निकल गया, करना क्या चाहिए था आपको? जब आप किसी ज़िले में पोस्टेड हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस जगह कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो क्रिमिनल पॉइंट हैं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था आपको क्या करनी पड़ेगी, कड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो ऐसा तो आपके नाम पे ये बिल फटेंगे फटेंगे। अगर अपराध हुआ है तो आप प्रायोरिटी क्या है, क्रिमिनल को पकड़ना और उसको सज़ा दिलाना, तभी सारे दबाव आपके सर से उठेंगे, है ना। आप हर अपराधी को तो पकड़ के नहीं रखोगे, भैया अपराध मत करना जब तक मैं इस ज़िले में हूँ, जैसे ही मैं जाऊँ जो करना हो करना, ऐसे तो नहीं बोल सकते। ऑफकोर्स क्राइम भी होंगे ही होंगे, कितनी भी कोशिश कर लो, तो फिर क्राइम होने के बाद का मोटिव क्या होगा कि क्रिमिनल को क्या करना। अब मान लीजिए 24 घंटे से ज़्यादा लेकर आप घूम रहे हो उसको इधर उधर, पेश ही नहीं करा, तो मजिस्ट्रेट किसकी क्लास ले लेगा? आपको करंट बताओ नोटिस मिल जाएगा, है ना। अगर आपकी आपके थाने की हिरासत में, आपके सुपरविज़न में किसी जो जिसको डिटेन किया है, अरेस्ट करा है, उस व्यक्ति की डेथ वगैरह हो गई, फिर तो भूल ही जाओ आपकी सर्विस का क्या हाल होगा, ठीक है। तो आप भले ही कितने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार करा है वो इस भारत का क्या है, नागरिक है, और नागरिक होने के नाते से ही उसको इतने सारे मौलिक अधिकार मिले। पढ़ तो रहे, सब किसके पास है, नागरिकों को तो सब है, तो आपको उसके फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट, वरना आपकी तो ज़िंदगी क्या हो चुकी है ना, भले कितने भी बड़े पद पर हो अपने आप को भी नहीं बचा पाओगे आप। और ये सब कब कर पाओगे? जब आपको सारे दाव पेच आपने पढ़ा होगा कि हम ऐसा करना है भैया हमें, तभी तो करोगे कि ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब फील्ड में काम करोगे, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाके काम करो या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करो, आर्टिकल 20, 21, 22 आपको हमेशा क्या देंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, मतलब इनके दम पे आप सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि हमें ये पता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, चलिए ठीक है। तो आगे आ जाते हैं अपन, ठीक है। तो सामान्य दंड के अंतर्गत तो हम पढ़ ही चुके थे, है ना, कि क्या क्या संरक्षण है हमें। अब ये 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, वकील रखना और कारण बता के गिरफ्तार करना, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। ये जो विदेशी लोग हैं, स्पेसिफिकली एनिमी, ऐसे देश जो कि भारत का मित्र नहीं है,
और उसका कोई नागरिक भारत में गिरफ्तार होता है किसी अपराध के जुर्म, मतलब किसी जुर्म में, तो उसको ये अधिकार नहीं है कि कारण बता के अरेस्ट करो। दूसरा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी अधिकार नहीं है। तीसरा, कि उसको लॉयर करना नहीं करना, वो भी इस तरह के राइट नहीं है। छीने भी जा सकते हैं, दिए भी जा सकते हैं। क्लियर है? किन के साथ? एलियन, और वो भी एलियन कौन से? एनिमी एलियन। फ्रेंड्स को तो है, जो देश हमारे मित्र हैं उनका कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे इस तरह से डिटेंट होता है तो उसके फंडामेंटल राइट उसको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो लिख ही लीजिए एक पॉइंट, सामान्य दंड हेडिंग डाल दीजिए इसी में, आर्टिकल 22 में, सामान्य दंड विधान के अंतर्गत संरक्षण। सामान्य दंड विधान के अंतर्गत संरक्षण। लिखेंगे, इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के पास तीन अधिकार होते हैं। इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के पास तीन अधिकार होते हैं। पहला, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पहला, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपने रुचि के वकील से अपना, रुचि मतलब जिस जो उस पर आपको विश्वास हो, अपनी रुचि या मर्जी के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करवाने का अधिकार या केस लड़वाने का अधिकार। साधारण भाषा में वकील, अपनी मर्जी या रुचि के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करवाने या केस लड़ने का अधिकार। तीसरा है, 24 घंटे में नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष, 24 घंटे में नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। ठीक है, अब ये 24 आवर में ट्रेवल टाइम और ये वेकेशन वगैरह ऐड नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो ये तीन क्या है? सामान्य, तीन अधिकार हैं सामान्य गिरफ्तारी में। लिखेंगे, ये अधिकार यह अधिकार निम्नलिखित व्यक्तियों को नहीं है, निम्नलिखित व्यक्तियों को नहीं है। पहला, शत्रु देश के व्यक्तियों को, शत्रु